हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और बहुत ही डिलीशियस लेकिन साथ साथ बहुत ही कॉमन पॉपुलर रेसिपी जिसे आम तौर पे हम अपने घरों में बनाते ही रहते हैं। ये है गोभी आलू मटर की सब्जी। ड्राई सब्जी है तो बहुत ही अच्छी लंच बॉक्स रेसिपी भी है, साथ साथ मसालेदार सी सूखी सब्जी बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो जल्दी से शुरू करते हैं और दिखाती हूँ आपको कि मैं इसको अपने स्टाइल से कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल गरम कर लिया है, उसमें ऐड किया है 1 चम्मच जीरा, साथ साथ 1 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। अब इसको हल्का सा भून लेंगे हम, बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें डार्क नहीं करना है, लाइटली ब्राउन करना है इसको हमें। तो जैसे जैसे प्याज हमारी ब्राउन हो रही है इसके साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं मैंने, पील कर लिया था इसको, अच्छे से वॉश कर लिया और इस तरीके से कट कर लिया है इसको, और इसको भी ऐड कर देते हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू को भी, क्योंकि प्याज के साथ साथ हम आलू को जब भूनते हैं तो बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी से आलू हो जाते हैं, और इस टाइम जब आलू भून लेते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है सब्ज़ी में। तो इसको मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसको पकाएंगे ढककर, यानी कि ढक्कन लगाकर इसको करीब 2-3 मिनट तक हम पकाएंगे, जिससे आलू हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। ज़्यादा हमें पकाना नहीं है क्योंकि गोभी को भी हमें पकाना है, तो आलू को हमें बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना है, बिल्कुल हल्का सा कुरकुरा से हो जाते हैं आलू, बस इतना ही इसको पकाएंगे 1-2 मिनट तक। तो ढक्कन ढक दिया है मैंने इसका और 1-2 मिनट तक इसको पका लिया है। तो अब जबकि आलू हल्के से भुन गए हैं तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये 1.5 चम्मच ग्रेट की हुई अदरक मैंने इसमें ऐड करी है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं 1.5 चम्मच, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ अदरक में इसको बनाना प्रेफर करती हूँ तो मैंने सिर्फ अदरक इस ग्रेट करके ऐड करी है 1.5 चम्मच। उसके साथ साथ इसमें ऐड कर दिया है, हल्का सा इसको भून लिया अदरक ऐड करने के बाद, उसके बाद इसमें ऐड कर दिया 1 कप मटर, और साथ साथ ये 0.5 किलो गोभी ली थी मैंने, जिसको मैंने डंठल जो हार्ड वाला पार्ट था उसका वो सब हटा कर फ्लोरेट्स काट लिए हैं इसके, यानी कि इस तरीके से छोटे छोटे फूल गोभी के अलग कर लिए हैं। बहुत छोटे साइज़ में इसको ना काटें, क्योंकि अगर आप इसके फ्लोरेट्स यानी कि इसके फूल जो है छोटे छोटे कर लेंगे बिल्कुल, तो जब आप सब्ज़ी में उसको सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल टूटे टूटे हो जाते हैं, जो कि गोभी की सब्ज़ी में, सूखी सब्ज़ी में स्पेशली देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ रखेंगे तो जब वो पक जाते हैं तो ऑलरेडी वो जब उसका वाटर सारा इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि जैसे जैसे गोभी पकती जाती है पानी सूखता जाता है, तो वो ऑलरेडी साइज़ में छोटे हो जाते हैं। तो थोड़ा मीडियम से साइज़ पे ही काटें इनको, और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर दिया आलू के साथ। अब इसमें ऐड कर दिया है नमक सबसे पहले, और एक बार मिक्स कर देते हैं नमक ऐड करके। तो इस तरीके से जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं मसाले एकदम से ऐड करना प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि जो ये सब्ज़ी में हमें क्रंच लाना है वो नहीं आ पाता है अगर हम पहले ही मसाले ऐड कर देंगे। तो पहले आलू हमने पकाए हैं थोड़े से क्रंची से कर लिए, उसके बाद गोभी पकाई है और गोभी को भी अब हल्का सा क्रंची कर लेंगे हम। तो ढक्कन ढक दिया है 2 मिनट के लिए, फिर गोभी को भी पकाएंगे और उसके बाद हम ऐड करेंगे मसाले। तो इस तरीके से सब्ज़ी को सिर्फ प्याज में और अदरक के साथ भूनने में बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है, मतलब कुछ भी ऐड नहीं करा है, सिर्फ सब्ज़ी को हमने भूना है प्याज के साथ और अदरक के साथ, तो बहुत ही बढ़िया सी क्रंची और साथ साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है प्याज के साथ उसको भूनने में। तो पहले इसमें ऐड कर दिए 2 कटी हुई हरी मिर्चें, साथ साथ इसमें ऐड करते हैं ड्राई स्पाइसेस, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 3/4 चम्मच ऐड करा है ये हल्दी, साथ साथ 1.5 चम्मच इसमें जा रहा है ये कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, और उसके साथ साथ 1 चम्मच ये जा रहा है इसमें ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि अमचूर। तो मिक्स कर देते हैं इन सब मसालों को अच्छे से, ताकि इवनली सारी सब्जी पर कोट हो जाएं ये मसाले। तो एक चीज़ जो मैं पहले ऐड करना भूल गई थी वो है हींग, तो आपको इसमें ऐड करना है 1/2 टीस्पून हींग, बाकी मसालों के साथ ही आप ऐड कर दें, और उसके बाद इसको मिक्स कर देते हैं एक बार अच्छी तरीके से। तो ये जो ड्राई सब्ज़ी यानी कि जो सूखी मसालेदार सब्ज़ी बनती है गोभी आलू मटर की, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और वो इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें हम बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करते हैं, ये बिल्कुल अपनी भाप में ही इतनी अच्छी तरीके से पक जाती है कि इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
बिल्कुल लो फ्लेम पे सब्जी को ढककर पकाएं, और जो सब्जी अपने अंदर से पानी छोड़ती है, यानी कि जब भी आप कोई सब्जी पकाते हैं तो अच्छी क्वांटिटी में सब्जी पानी छोड़ती है, इतना कि वो उसकी भाप में ही पक जाए। तो ये ढक दिया है मैंने इसको, लो फ्लेम कर दिया है, 5 से 6 मिनट और पकाएंगे इसको, क्योंकि 2-2 मिनट 3-3 मिनट पहले पका चुके हैं तो ज़्यादा देर नहीं लगेगी इसको गलने में। तो ढककर 5 से 6 मिनट पकाएंगे, लेकिन बीच में इसको चला दें एक बारी ज़रूर से, क्योंकि पानी ऐड नहीं करा है इसलिए आपको बीच में इसको चलाना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ लो फ्लेम है तो जलने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है सब्ज़ी का, और धीमी आँच पर बहुत अच्छे से पक जाती है सब्ज़ी। तो ये 5-6 मिनट मैंने इसको अच्छे से पका लिया है, बिल्कुल हल्की सी कसर अभी बची है कम्प्लीटली पकने में। तो इस टाइम मैंने ढक्कन हटाकर इसमें ऐड कर दिया है। ये एक बहुत ही छोटा सा टमाटर लिया है मैंने, अगर आपके पास छोटा टमाटर नहीं है तो आप मीडियम साइज़ का टमाटर को आधा काट लें और आधे टमाटर का इस्तेमाल करें इसमें। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना कम टमाटर क्यों ऐड किया जा रहा है सब्ज़ी में, उसका एक रीज़न ये है कि जब आप टमाटर ऐड करते हैं तो आपकी सब्ज़ी सौगी होने लगती है, यानी कि सब्ज़ी में पानी की क्वांटिटी आ जाती है टमाटर ऐड करने से, और सब्ज़ी सौगी सौगी सी बनने लगती है, जो कि ये जो सब्ज़ी है ये हमें बनानी है बिल्कुल ड्राई मसालेदार क्रंची सूखी सब्ज़ी। तो इसमें टमाटर ऐड किया जाता है एकदम लास्ट में और बिल्कुल कम क्वांटिटी में। तो बिल्कुल छोटा सा टमाटर ऐड करा था देखिए, और 1 मिनट भी नहीं लगा उसको सॉफ्ट होने में, ढककर उसको सॉफ्ट कर लिया और अब मिक्स कर देते हैं सब्ज़ी अच्छी तरीके से। तो सब्ज़ी का क्रंच भी बहुत अच्छे से मेंटेन है और टमाटर से थोड़ा सा जो फ्लेवर एनहांस करना था हमें, हमने वो भी कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया सी सब्ज़ी मसालेदार सी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो अब इसमें जाएगा 1 चम्मच गरम मसाला और साथ साथ कटा हुआ बारीक धनिया, क्योंकि सब्ज़ी का कलर येलो होता है तो इसके अंदर धनिया ऐड करते हैं तो फ्लेवर तो अच्छा ऐड हो ही जाता है, साथ साथ बहुत ही कलरफुल सी लगती है और बहुत अपीलिंग लगती है सब्ज़ी, मतलब ऐसी सब्ज़ी जिसे देखकर खाने का मन चाहे। तो मिक्स कर देते हैं, ये बढ़िया सी मसालेदार सूखी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है गोभी आलू मटर की। तो इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए और उसके बाद सर्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि इसमें गोभी के जो फूल हैं वो बिल्कुल एज इट इज़ रिटेन रहते हैं, साथ साथ मसाला आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी अच्छी तरीके से सब्ज़ी पे चिपका हुआ है। तो यही है खास बात इस सब्ज़ी की जो बनाता है इसको बहुत ही डिलिशियस, साथ साथ बहुत ही यूनिक, कि बहुत ही मसालेदार ड्राई सब्ज़ी है, यानी कि सूखी सब्ज़ी है तो बहुत ही बढ़िया लगती है, कोटेड है मसाले के साथ, अपना एक क्रंच मेंटेन रहता है सब्ज़ी में क्योंकि पानी बिल्कुल ऐड नहीं करा है तो बहुत ही क्रंची साइड पर रहती है सब्ज़ी। तो सर्व कर दिया मैंने ये सब्ज़ी और ऊपर से गार्निश कर दिया थोड़े से कटे हुए धनिए के साथ, जो कि देखने में इसको बनाता है और भी टेम्पटिंग और भी अपीलिंग। तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, बहुत ही बढ़िया लगती है पराठे के साथ, चाहे तो आप इसे पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं, पूरी के साथ तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है गोभी आलू मटर की सब्ज़ी का, या फिर आप इसे चपाती के साथ सिंपल लंच मील में पूरे कंप्लीट मील के साथ एज अ ड्राई सब्ज़ी सर्व कर सकते हैं, और लंच बॉक्स रेसिपी तो बहुत बढ़िया है ही ये। तो ये आप देखिए, गोभी का फूल बिल्कुल टूटता नहीं है लेकिन साथ साथ बिल्कुल पका हुआ है, बिल्कुल अंदर तक सॉफ्ट है, और साथ साथ ये आलू भी बिल्कुल अच्छे से पके हुए। तो बहुत ही डिलिशियस रेसिपी है, ट्राई करिए इसको इस तरीके से बनाना अगर आपको पसंद आया ये मेथड। अगर आपको अच्छी लगी है ये रेसिपी तो ज़रूर से बनाइए और लिखकर ज़रूर से बताइए कैसी बनकर आई आपकी ये सब्ज़ी। और साथ साथ अगर ये वीडियो आपको आई है पसंद तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर मेरे चैनल की वीडियोज़ आपको आती हैं पसंद तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे, गॉड ब्लेस, बाय बाय एंड टेक केयर।